हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम एड बाय होम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम बनाए हैं प्याज और पनीर से पकौड़े। आइए इसको हम बनाते हैं। 100 ग्राम कद्दूकस की हुई पनीर को ले लें, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच कुटी मिर्च, 1 प्याज को लच्छे में काट लें। इन सबको अच्छे से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप बेसन, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 कप पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे। ब्रेड को इस तरह से काट लेंगे। फिर हम अपने प्याज और पनीर के मिश्रण को अच्छे से रख देंगे। उसके दूसरे पार्ट से उसको हम अच्छे से दबा देंगे। फिर अपने तैयार बेसन की घोल में उसको हम अच्छे से डिप कर लेंगे। तेल को हम गर्म रखेंगे और इसको उसी में डाल देंगे। इसे हम अच्छे से धीमे हाथों से पलट देंगे, हल्के हाथ से पलटेंगे। इसको हम अच्छे से ब्राउन पका लेंगे, फिर निकाल देंगे।